ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 10th का, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया है ए टीवी टावर, है ना, ये ध्यान से समझना है हम लोग को। तो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, तो ये इसका मीनिंग समझते हैं, कैनाल का क्या मीनिंग होता है, कैनाल कैनाल क्या होता है बताओ। हाँ है ना, जिसमें पास करती है रिवर वगैरह, है ना, छोटे छोटे पानी पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, है ना, ठीक है, उसको कैनाल बोलते हैं। इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। तो ये हमारा टावर हो गया ए बी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, मतलब अनदर अदर बैंक, मतलब बैंक मतलब क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, अदर बैंक मतलब क्या समझ में आ रहा है, किनारा है, यहाँ बैंक मतलब होगा किनारा। तो यहाँ से कैनाल, यहाँ का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा सी पर है, समझ में आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से हम टावर के ऊपर वाले पॉइंट्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। उसके बाद बोला कि फ्रॉम अनदर पॉइंट्स 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ से 20 मीटर हम आगे चले गए, ठीक है, दूर। द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, बोले यहाँ से फुट ऑफ द टावर से एक लाइन ज्वाइन कर दी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यहाँ से जब हम खड़े होके ऊपर देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, तो अब ये हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे ये, और हाइट को एज्यूम कर लेंगे हम लोग एच, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अगर हाइट ऑफ डिस्टेंस में अगर हम लोग डायग्राम सही से बना दिए तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी में, ठीक है। 10 60 डिग्री क्या होगा हमारा, ए बी बटे बी सी, है ना, 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 60 डिग्री का वैल्यू होता है अंडर रूट 3, और ए बी हमारा एच है और बी सी हमारा एक्स है, तो हमारा एच क्या हो गया, एच फाइंड आउट हो गया हमारा रूट 3 एक्स, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ये ए डी बी कंसीडर करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है। तो अब इसमें 10 30 डिग्री क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर मतलब ए बी बटे बेस क्या होगा यहाँ पर, पूरा डी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी का जो हाइट है वो एच है हमारा, और डी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 20 प्लस एक्स, ये पूरा लेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो 10 30 डिग्री क्या होता है हमारा, 1 बटे रूट 3, तो एच बटे 20 प्लस एक्स, समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से ले जाएंगे 20 प्लस एक्स बराबर एच रूट अंडर 3, ठीक है। और एच का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ क्या है हमारा, 20 प्लस एक्स और √3x/√3, समझ में आ गया। तो ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, इसको इधर लिख देते हैं हम लोग सिंपलीफाई करके, 20 प्लस एक्स बराबर 3x हो जाएगा, है ना, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो 20 इक्वल टू हो गया 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 20/2 मतलब हो गया 10 मीटर, समझ में आ गया। तो हम लोग विड्थ ऑफ द कैनाल निकल गया 20, बी सी इक्वल टू 10 मीटर। अब हाइट निकलना, हाइट ऑफ द कैनाल, तो हाइट इससे निकल जाएगा, h बराबर हमारा है √3x, मतलब ये हो जाएगा 10√3 मीटर, समझ में आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आया।